ये देखिए अपने बेटे को साइकिल में बैठा करके सामने दो झंडा जुलूस मोहम्मदी के ताल्लुक से और पीछे जो दो झंडा कौमी तिरंगा, और ये बच्चा भी बहुत मोहब्बत में सरसा नजर आ रहा है। इनके वालिद अपने बच्चे को इस अंदाज में नबी के जुलूस में लेकर शिरकत किए हैं। हम इनके हौसलों को सलाम करते हैं, इनके मोहब्बतों को सलाम करते हैं। ये देखिए एक और खूबसूरत तस्वीर आप दूर से देख रहे हैं, हम आपको उनके पास लेकर चलते हैं। उन्होंने कौमी तिरंगा, हमारा कौमी परचम भी अपनी साइकिल में लगा करके अपने बेटे को इस तरीके से खूबसूरत अंदाज में, बहुत प्यारा खूबसूरत तस्वीर है। ये देखिए अपने बेटे को साइकिल में बैठा करके सामने दो झंडा जुलूस मोहम्मदी के ताल्लुक से और पीछे जो दो झंडा कौमी तिरंगा, और ये बच्चा भी बहुत मोहब्बत में सरसा नजर आ रहा है। इनके वालिद अपने बच्चे को इस अंदाज में नबी के जुलूस में लेकर शिरकत किए हैं। हम इनके हौसलों को सलाम करते हैं, इनके मोहब्बतों को सलाम करते हैं। आपका नाम बोलिए। मोहम्मद जमशेद आलम। इस अंदाज में आज उसको निकाले आज जी खुशी में निकाले आज इस तरह का जश्न ईद मिलादुन नबी रसूल करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज पैदाइश का दिन है, इसीलिए हम लोग जुलूस निकाले हैं। आपका बेटे का नाम क्या है? मेरा बेटे का नाम है मोहम्मद गया जी। नाम बोलो बेटा, नाम बोलो। अब अपना नाम बोलो। नासुद्दीन हुसैन। क्या नाम है? नासुद्दीन हुसैन। देखिए आइए आगे आइए, देखिए माशाल्लाह ये बाबू क्या नाम है इनका? गियासुद्दीन हसन। तीन हुजूर ख्वाजा के नवाब रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी के नाम से जनाब जमशेद साहब ने अपने बेटे का नाम रखा है, और साकिल को मुकम्मल तौर पर दुल्हन की तरह सजा करके पीछे दो पीछे कौमी तिरंगा भी लगाया है और सामने मोहम्मद का झंडा भी लगाया है। ये एक कौमी हम आहंगी भाईचारा और हुब्बुल वतनी का सबूत यहाँ से देने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनकी हौसले को सलाम करते हैं। आप लोग इस लाइव को शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट में मरहबा मरहबा लिखते जाएं। चलिए आगे चलते हैं, आगे के क्या नज़ारे हैं।